नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार रोहित शर्मा ने अपने पहली टेस्ट मुकाबले में बतौर ओपनर कौन से बड़े बड़े 10 रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो यहाँ पे हम आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रोहित शर्मा ने जो 8 से 10 बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं उन्हीं के बारे में विस्तार से जानकारी को। तो ऐसे में आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि काफी दिलचस्प ये वीडियो होने वाला है। और वहीं अगर आप लोग भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल RS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिल सके। तो चलिए अब आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि विशाखापट्टनम में आज से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया और जिसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पहले टॉस जीतते हुए बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल ने पारी की शुरुआत की और वहीं इन दोनों ही खिलाड़ियों ने भारत को एक मजबूत शुरुआत दी। और वहीं 55 ओवर के खेल में भारत ने बिना कोई विकेट खोए 189 रन बना लिए थे, जिसमें भारत के लिए नए ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 160 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और जिसमें रोहित शर्मा ने 10 चौके और 4 छक्के लगाए और ये रोहित शर्मा का 4th टेस्ट शतक था। तो वहीं अगर हम लोग बात करें कि अब भारतीय टीम का क्या स्कोर चल रहा है, तो जैसे कि आप सभी अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे कि बिना किसी नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर 202 रन पहुंच गया है और मयंक अग्रवाल ने 84 रन बनाए और रोहित शर्मा ने 115 रन बना लिए हैं और पहला दिन समाप्त हो चुका है और कल यहीं से पारी की शुरुआत होने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि बतौर ओपनर रोहित शर्मा ने आज के मुकाबले में कौन से बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं उन्हीं के बारे में, तो जो पहला बड़ा रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने तोड़ा वो ये है कि भारत में बतौर टेस्ट ओपनर अपनी पहली पारी में शतक जड़ने वाले रोहित शर्मा 4th भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और वहीं जो दूसरा रिकॉर्ड तोड़ा वो ये है कि रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में अपना 35वां शतक जड़ा और इस मामले में रोहित शर्मा ने सुनील गावस्कर की अब बराबरी कर ली है। और तीसरा जो रिकॉर्ड है वो ये है कि भारत में रोहित शर्मा ने लगातार 6ठी बार 50 से ज्यादा का स्कोर खड़ा किया है टेस्ट क्रिकेट में और वो राहुल द्रविड़ के बाद ऐसे करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। और वही जो 4th रिकॉर्ड तोड़ा है वो ये है कि रोहित शर्मा ने अपने शतक से पहले ही 4 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। तो मतलब कि आज से पहले किसी भी बल्लेबाज ने अपने टेस्ट शतक को पूरा करने के लिए 4 छक्के नहीं जड़े थे। और वही जो अगला रिकॉर्ड है वो है कि रोहित शर्मा बतौर ओपनर टेस्ट वनडे और T20 में शतक जड़ने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। और वहीं जो अगला रिकॉर्ड है वो ये है कि मयंक अग्रवाल के साथ रोहित शर्मा ने शतकीय साझेदारी निभाई और पहली बार नई जोड़ी के रूप में 100 से ज्यादा की साझेदारी में वो नंबर 7 पे आ चुके हैं। बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने पूरी सी लिस्ट को भी देख सकते हैं। और वहीं अगर हम लोग बात करें अंतिम रिकॉर्ड के बारे में, जो अंतिम रिकॉर्ड है वो ये है कि रोहित शर्मा भारत में टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक औसत से रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। और बाकी आप लोग इस लिस्ट को भी देख सकते हैं, इसमें भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा टॉप के स्थान पर आ गए हैं और जो दूसरे नंबर पर खिलाड़ी हैं वो हैं विजय हजारे, तीसरे नंबर पर जो खिलाड़ी हैं वो हैं विराट कोहली। तो ऐसे में दोस्तों, यही थे वो 8 से 10 बड़े रिकॉर्ड जो रोहित शर्मा ने अपने पहले टेस्ट मुकाबले में बतौर ओपनर तोड़े हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आप लोगों का क्या ख्याल है रोहित शर्मा के बारे में? क्या रोहित शर्मा आगे भी ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ते रहेंगे और सबको पीछे करते रहेंगे या फिर नहीं? आप लोगों का क्या मानना है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा। मिलेंगे अगली एक ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।